राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर छापेमारी की। अनंतनाग जिले में भी उसने छापेमारी की। प्रदेश के 40 ठिकानों में NIA की छापेमारी हुई। इसमें श्रीनगर, गांधरबल, अच्छाबल, शोपियां, बांदीपुरा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी व अन्य जिले शामिल हैं। NIA ने ये छापेमारी टेरर फंडिंग सहित कुछ नए मामलों के सिलसिले में की है। NIA की जमाते इस्लामी संगठन के सदस्यों के घरों पर भी छापेमारी की। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को खासी सफलता मिल रही है। नतीजा, आतंकी वारदातों में कमी आने लगी है। साल 2018 में जहां 601 आतंकी वारदात हुई थी, वहीं 2019 में 594 और 2020 में 244 वारदात सामने आई है। सुरक्षा बलों ने एक विशेष रणनीति के तहत सीमा पार से होने वाले अपराधों जैसे घुसपैठ, आतंकवाद और तस्करी आदि को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें मोबाइल सर्वेलांस और मानव संसाधन दोनों तकनीक शामिल है। इसकी मदद से आतंकियों के ठिकाने की जानकारी मिल जाती है। निगरानी और मॉनिटरिंग डिवाइस के द्वारा घुसपैठ करने वाले या ठिकाने से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे आतंकियों का पता लगाने में दिक्कत नहीं आती। मोबाइल सर्वेलांस और मानव संसाधन, इसे रामबन तकनीक से सुरक्षा बलों की राह काफी आसान हो गई है। सदियों पुराने रीति रिवाजों के अनुसार महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में श्री अमरनाथ की छड़ी मुबारक पूजा के लिए ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर ले जाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए पूजन किया गया। कोविड महामारी के कारण कुछ चुनिंदा साधुओं ने इस पूजन में हिस्सा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर समेत विश्व में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की गई। छड़ी मुबारक को शारिका भवानी मंदिर हरि पर्वत श्रीनगर ले जाया गया। 9 अगस्त 2021 को देवी की पूजा की जा सके। दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को छड़ी का पूजन कर वहां स्थापित किया जाएगा। आखिरी पड़ाव में छड़ी को चौपर के जरिए पवित्र गुफा तक पहुंचाया जाएगा। बड़गाम पुलिस ने शोलीपुरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 3 कुख्यात ड्रग तस्करों के पास से 103 किलोग्राम पोस्त भूसा पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया है। पुलिस द्वारा एक महिंद्रा मैक्सी ट्रक को रोका गया। रुकने के बजाय इन्होंने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाहन का पीछा कर तस्करों को दबोच लिया। तलाशी के दौरान ट्रक में एक गुप्त स्थान पर बनाया गया एक ड्रॉर बॉडी के खोलने के बाद बाहर आया। ड्रॉर में से 103 केजी पॉपी स्ट्रॉ बरामद हुआ। वहीं पुलिस द्वारा NDPC अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के घंटाघर को तिरंगे से रोशन किया गया है। श्रीनगर के मेयर जुनेद मट्टू ने कहा कि हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में लाल चौक पर घंटाघर रोशन किया है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। ऐतिहासिक मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार में सबसे बड़ी अड़चन पैसों की हो रही है। पैसे की कमी से इतने बड़े कॉम्प्लेक्स का जीर्णोद्धार दशकों से चल रहा है। ऐसे में अब सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत ऐतिहासिक मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स के रानियों के महल वाले हिस्से की हेरिटेज होटल में बदलने का निर्णय लिया है। उससे जो भी राजस्व मिलेगा उसे ऐतिहासिक इमारत के जीर्णोद्धार पर लगाया जाएगा। शोपियां के अस्ताना मोहल्ला डोनारो केलर के लोगों में खराब सड़कों के खिलाफ भारी रोष और गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने इस मसले को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क की हालत पूरी तरह जर्जर है और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है किसी भी आउटडोर और इंडोर सभा में शामिल होने के लिए अधिकतम लोगों की संख्या 25 तक सीमित होगी। हालांकि 15 अगस्त को अस्थायी रूप से छूट दी जाएगी। राज्य कार्यकारी समिति द्वारा आदेश में कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक ऑन साइट और इन पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे। कोचिंग सेंटर्स सहित सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक ऑन साइट
इन पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे। जम्मू में युवाओं द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर के युवाओं को बाकी राज्यों के युवाओं के साथ कंपेयर करना गलत है। यहाँ पर कोविड महामारी, लॉकडाउन, धारा 370 हटना, इंटरनेट बंद होना, ये सब एक सरदर्द था। ये आतंकवाद ग्रस्त स्टेट है, कुछ भी सर्टन नहीं है। हर कदम पर यहाँ का यूथ पिसता जा रहा है। हम एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन 35 वर्ष होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए कोई दया नहीं होगी, क्योंकि उनके नेतृत्व वाला प्रशासन कश्मीर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये संतों की भूमि है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों और उनके समर्थकों पर कोई दया नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंसा की राह में आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा, मैं इमामों और खतीबों से अपनी भूमिका निभाने और बच्चों पर नजर रखने का आग्रह करता हूं, ताकि वो गलत रास्ते पर ना चलें। दुर्भाग्य से कुछ तत्व और पड़ोसी देश शांति को बढ़ावा नहीं देना चाहते।